निगम मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा आज कल में हो सकती है, जिसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि निगम मंडलों की स्वीकृति हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा कर दी गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी वरिष्ठ नेताओं से नामों पर चर्चा हुई, उन्हीं नामों पर हाईकमान के द्वारा विस्तार से चर्चा हुई है और हाईकमान से स्वीकृति मिल गई है। निगम मंडलों की सूची को लेकर मोहन मरकाम से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। कल में निगम मंडलों की सूची जारी हो सकती है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे निगम मंडलों की सूची को लेकर चर्चा हो रही है कि आज या कल में आ सकती है, क्या कहना चाहेंगे? निगम मंडलों के लिए विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेताओं से लंबे विचार विमर्श के बाद छत्तीसगढ़ में सूची को जारी करने के लिए हाईकमान के पास भेजा गया था। माननीय पुनिया साहब से विस्तार से चर्चा करने के बाद हाईकमान माननीय सोनिया गांधी जी के पास भेजा गया था और हाईकमान ने स्वीकृति दी है। हमें लगता है पहला सूची आज कल में जारी होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी सूची जारी करेंगे। पहले और सूची में किस तरह के नामों को शामिल किया जाएगा? पहले सूची में जो 15 सालों तक संघर्ष किए, जो पार्टी के बड़े चेहरे थे, जो विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ खड़े रहे, ऐसे बड़े चेहरों को पहली सूची में जारी किया गया। और दूसरी सूची जब जारी होगी तो उसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन और अन्य पहलुओं को भी विचार करते हुए दूसरी सूची में मौका देंगे, मगर पहली सूची में जो जाने माने पार्टी के चेहरे थे वैसे चेहरों को पहली सूची में मौका दिया गया है। तो ये थी हमारी प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत, जिन्होंने बताया कि पहली सूची में पार्टी के लिए जो समर्पित थे उन्हें स्थान दिया जाएगा। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।